जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिशनल कुकिंग के साथ। आज मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा। ये मैं पिज़्ज़े की डो तैयार करने लगी हूँ। ये प्लेन फ्लावर है, ये मैंने लेना है। तीन से चार पिज़्ज़े मैंने बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने ये डाला है। ये हाफ मैंने डाली है, ये वन इन हाफ है, तो हाफ के जी मैंने जो है ना हाफ इसमें डाल दिया, यानी 700 ग्राम मैंने डाला है इसमें। और ये यीस्ट लिया मैंने, ये थोड़ा वार्म किया है। मिल्क मैंने, ये मैंने इसमें डाल दिया। साथ ही मैंने एक ऐड किया है, ये भी इसमें डाल दिया। और साथ ही मैंने साल्ट लिया है 1 टीस्पून। और साथ ही शुगर लिया है मैंने 1 टीस्पून। ये मिल्क मैंने लिया था, जिसमें मैंने यीस्ट ऐड की है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसे हम बनाएंगे, गूंदेंगे, या मशीन से गूंद लें या हाथ से गूंद लें, या मैं मशीन से ही गूंदूंगी। इसे डो बनाऊंगी इसकी, पिज्जे की। ये पिज्जे की डो बना रही हूँ, इस तरह से बनाऊंगी, मैंने मशीन में ही बना। जी तो ये रहा हमारा डो, जो मैंने 3-4 आवर पहले गूंद के रख दिया हुआ था, ये तैयार हो गया। और साथ ही ये मैंने मसरेला लिया है, एक पिज्जे के लिए एक ही काफी होता है, ये मैंने ले लिया। और साथ मैंने 1 टमाटो लिया है, बड़े साइज के, इस तरह से मैंने पीसेस में काट लिया। और 1 ही मैंने प्याज लिया है, वो भी इसी तरह मैंने पीसेस में काट लिया है। और ये ऑलिव है, आप ब्लैक भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। और ये रेड और ग्रीन चिली है, जो मैंने इस तरह से ब्रीक पीसेस में काट ली है। और साथ ही इसमें जाएगा चीज़, ये। और ये पेस्ट बनाऊंगी ये आपके सामने। और ये लीवे में सब कुछ तैयार करूंगी मैं पिज़्ज़े के लिए। ये इटालियन पिज़्ज़ा है। और ये टोना कोई भी आप ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड की। ये मैं करूंगी टोना तैयार पिज़्ज़े के लिए, उसके लिए थोड़ा साइड डालूंगी। साथ में इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/4 टीस्पून साल्ट। साल्ट मैंने पहले डो में भी डाल दिया था, फिर पेस्ट में भी थोड़ा आ जाएगा। तो ये मैं चिली भी इसमें डाल दूंगी। वैसे तो ऐसे भी आप डाल सकते हैं, सोना सूख क्योंकि जब ओवन में लगाते हैं ना, तो कुछ जरूरी ठीक हो जाती है, यानी कुछ होगा। अगर आपने थोड़ा कुछ कर लो तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा। जो इसकी स्मेल है ना, फिर वो खत्म हो जाती है। और देखो कितनी अच्छी स्मेल आ रही है।
सूप के लिए थे और ऑयल थे। अभी से हम थोड़ी देर के लिए कुछ और खा लेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूंगी और करूंगी पेस्ट तैयार पिज्जे के लिए। और ये इसमें डाल देंगे हम पेस्ट। ये मैंने तीन पिज्जे लगाने हैं, दो या तीन, तीन ही लगाऊंगी। और इसमें डालूंगी थोड़ा साल्ट, इसमें भी साल्ट जाएगा 1/4 टीस्पून। ये देखिए इतना सा बस डाल। अब इसे भी थोड़ी देर के लिए कुक करूंगी, 1-2 मिनट के लिए। आप कवर कर दें, 1-2 मिनट के लिए रहने दें। ये देखे कैसे फूल गया है गुब्बारे की तरह। 3-4 आवर पहले मैंने इसे गूंद के रख दिया था, अब इसकी शेप मैंने असल कर दी है। ये देखे इस तरह से कर रही है। ये इस तरह से मैंने इसे बहुत बड़ा कर लेना है। इसके ऊपर लगा देंगे हम पेस्ट। पेस्ट आप चाहें तो ज्यादा भी लगा लें, जितनी आपको पसंद है। साथ में डाल दूंगी इसमें चीज मसरेला, ये सादा मसरेला है। ये बना इस तरह से बना। और साथ में डालूंगी ये टोना जो मैंने तैयार किया। साबुत भी डाल देती हूँ, आपने काट के डालने हैं तो काट के भी डाल सकते हैं पीसेस करके। वैसे इस तरह भी ज्यादा कर लें। साथ में डालूंगी चीज, ये वाला चीज। साथ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे, ये ऑलिव ऑयल सिर्फ। ये देखे हमारा ऑर्डर पिज्जा रेडी।
इसकी लुक देखें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए आप शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी किया करें। और मैं तो इसी तरह ही बोलती हूँ नॉर्मल तरीके से, क्योंकि मैं पोज वगैरह नहीं मारती। आप मेरी रेसिपी देखें, इंग्रेडिएंट्स देखा करें कि मैं किस तरीके से आपसे शेयर करती हूँ। मैं एक एक इंग्रेडिएंट्स आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें हमारा इटालियन पिज़्ज़ा रेडी। आएँ आप भी खाएं। और यही इसकी फाइनल लुक है। जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट सारे यूज किए हैं ना, वो परफेक्ट है। आप उसी तरह बनाएंगे तो सेम ऐसा ही बनेगा। आप मेरी रेसिपी देखें और इसी को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।